शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं रखी और समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्यों ने शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की मांग भी की, ताकि लोगों को घर द्वार पर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने कहा कि जो भी समस्याएं उनके ध्यान में लाई गई है उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। शिमला जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक स्थानीय बचत भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने की। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य नीलम सरेक ने शिमला जिला में युवाओं में नशाखोरी की समस्या पर विस्तृत प्रकाश डाला और पुलिस प्रशासन से खंड स्तरीय नशा निवारण समितियों के गठन किए जाने की मांग की, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में डूबने से बचाया जा सके और नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता को बढ़ावा मिले। नशा निवारण कमेटियां जो पंचायत स्तर पर बनी है ना, अभी तक वो कंस्टिट्यूट हुई है? अगर कहीं कंस्टिट्यूट हुई है तो वो फंक्शनल नहीं है। और सेकेंडली, जो अभी हमारे को यहाँ पुलिस विभाग से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने हमको बताया कि हमने हर थाना स्तर पर कमेटीज बनाई हैं और उन्होंने उनकी नंबरिंग भी दी है कि इतनी इतनी कमेटी, इतने सदस्य है। तो 5-5, 6-6 लोगों की कमेटीज जो है हर थाना स्तर पर जो बनी है और जो उसका टाइम टू टाइम की हम मीटिंग कर रहे हैं। तो जब हमने विजिट पर्सनली वहाँ गए और हमने पाया तो वहाँ पर कोई भी कमेटी नहीं बनी है। अगर हम कोटखाई की बात करें तो कोटखाई थाना में 4 लोगों के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसी तरह और जगह भी। तो वो कमेटी, वो जब मीटिंग के नाम पर वो 2-4 टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाते हैं, बस उनका वो मीटिंग का एजेंडा जो कुछ नहीं होता और वो पूरा हो जाता है। तो हमने आज यहाँ पे यही मुद्दा रखा, जो यहाँ पे अधिकारी आए थे, कि इसके लिए सरकार भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि इस पे काम होना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पे जो हम देख रहे हैं इसमें कोई काम नहीं हो रहा है और पुलिस विभाग का सबसे ज़्यादा जो उदासीन रवैया है वो सामने आ रहा है। जिला परिषद सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की और धरातल की समस्याओं पर अधिकारियों को अवगत करवाया, ताकि स्वच्छता अभियान को गति प्रदान हो सके। सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण रूटों पर नियमित बस सेवा की समस्याओं पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से गहन विचार विमर्श किया और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत करवाया। जिला परिषद सदस्य डीआर हास्टा ने कुपवी हरिद्वार बस चलाने की मांग क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम के समक्ष प्रस्तुत की। जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से चिड़गांव तहसील में आंध्रा नदी के तटीकरण पर बल दिया, ताकि स्थानीय लोगों की उपजाऊ भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा अन्य जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग पर बल दिया, ताकि लोगों को घर द्वार पर वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने बैठक में विचार विमर्श किए गए तमाम मुद्दों एवं पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कहा कि जो भी समस्याएं उनके ध्यान में लाई गई है उनका समाधान करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। हमारे जो जिला परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने जो अभी बात रखी, अभी पुलिस डिपार्टमेंट से भी उपस्थित अधिकारी थे, कि जो जो भी इन्होंने डिफरेंट थाना के अंदर जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो जब प्रैक्टिकल वे में हमारे माननीय सदस्य वहाँ पे गए तो ये प्रॉपर जो है फंक्शनल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी इसमें लिया जाए और जो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और दूसरी, इसमें माननीय सदस्य हमारे जो हैं उन्होंने ये भी चर्चा की गई कि इसमें जो हैं बहुत सारे हमारे यूथ और स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं इन्वॉल्व हैं। तो आजकल जो पेरेंट्स हैं हमारे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होना चाहिए, नशा निवारण कोई केंद्र भी होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि सरकार वैसे तो काफ़ी संवेदनशील है, परंतु ये बहुत ही जो है संवेदनशील मुद्दा है, इस बारे में भी सोचा जाए कि सरकारी स्तर पर भी इस तरह के जो है नशा निवारण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाए, जो मतलब इसके जकड़ों हैं इस नशे की गिरफ्त में, ताकि उनको कुछ ना कुछ, उनके पेरेंट्स को और जो हमारे बच्चे इससे बाहर निकल पाएँ।